नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। हमारी एक ऐसी पेशकश जहां पर हम आपको बताते हैं कि बचत और निवेश में कितना फर्क होता है और कैसे जब निवेश की बात हो तो इक्विटी बाजार को आपको कंसिडर करना चाहिए, और अगर करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के जरिए कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आज हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ गई हैं श्वेता जैन, फाउंडर इन्वेस्टोग्राफी। श्वेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, और दर्शकों से भी हम जुड़ेंगे श्वेता, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि इस शो में वो अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड फ्लैश होगा, उस QR कोड को स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ेंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेज देना है। सवाल किसी भी म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है भेज सकते हैं, किसी भी आर्थिक लक्ष्य के लिए रणनीति चाहते हैं सवाल भेज सकते हैं, आप इस नंबर पर सवाल भेजें। और साथ ही YouTube पर भी शो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। श्वेता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, आपको लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवा के देंगी। और अजीत हमारे पहले दर्शक हैं जिनका हम सवाल लेंगे। क्या अजीत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं? हाँ मैम। अजीत जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? कोलकाता से बोल रहे हैं कविता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना सवाल आपने हमें भेजा है। जो फंड्स आपकी डिटेल्स आपने मुझे दी है और जो श्वेता के पास भी है, मैं एक बार यहाँ पर रीड आउट कर देती हूँ। कोटक का मल्टी कैप है आपके पास, वाइट ओक का फ्लेक्सी कैप है, और इसमें आपने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है। टारगेट्स आपने अपने सारे हमें दे रखे हैं, और आप चाहते हैं कि आपको इसमें से जो है आपने 6 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट अभी तक किया हुआ है, ठीक है, और आपकी 20,000 की SIP चल रही है। जी जी जी, और ठीक है, तो आपके सवाल हमारे पास है। इसमें क्या आपको और कुछ जोड़ना है कि मैं सीधा श्वेता के पास जाऊं और बिना समय बिताए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करूं? मैम मेरे 2 म्यूचुअल फंड है, कोटक मल्टी कैप में 20 लाख इन्वेस्ट किया था, उसका वैल्यू आज के डेट में 38 लाख समथिंग है। और जी उसकी डिटेल्स मेरे पास है जी। मैं वाइट ओक में 20 लाख तक SIP करूंगा, अभी तक 6 लाख इन्वेस्ट किया है और 14 लाख करना है, तो मेरा टारगेट है 2 करोड़ 2036 में, और 1 लाख चाहिए मेरे रिटायरमेंट के लिए हर महीना। ठीक है, 36 के बाद आपको हर महीने 1 लाख रुपीज चाहिए, ये पर्याप्त होगा आपके लिए? हाँ मैम। ओके चलिए ठीक है, टैक्स को लेके भी आप सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच आपके इन्वेस्टमेंट में मार्केट क्रैश हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से टैक्स लगेगा, बहुत सारे अहम सवाल हैं जो कि मेरे ख्याल से बाकी दर्शक भी रिलेट कर पाएंगे। तो श्वेता एक एक करके हम बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो पर मैं आऊँ उससे पहले जो इनका डर है, क्योंकि 12 साल का समय है और इन्वेस्टमेंट का, श्वेता पूछ रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गया और तो किस तरह से इनके पोर्टफोलियो में इनको नुकसान हो सकता है। बहुत सारे लोगों को ये सवाल जहन में आएगा आई एम श्योर, जिस तरह की बाज़ार की चाल भी दिखाई दे रही है, निवेशकों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक भी है कि इतने ऊंचे लेवल तक बाज़ार रहेगा कि नहीं रहेगा, पोर्टफोलियो में जो मुनाफा दिख रहा है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसी सवाल से शुरू करते हैं, श्वेता बताइए। जी कविता जी, तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और ये जो डर है बिल्कुल वाजिब है, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करना है और ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ये इसकी रियलिटी है, तो इससे आप छुप नहीं सकते, इससे आप भाग नहीं सकते हैं कि ऊपर नीचे होता रहेगा मार्केट, उतार चढ़ाव आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी होता रहेगा, पर इससे बच सकते हैं थोड़ा बहुत कैसे, अपना टाइम होराइजन बढ़ा के। तो आपने 12 साल तक बोला है, उसके बाद आप जब रिटायर हो जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आपके पास सारा पैसा आप निकाल ले इक्विटी से, क्योंकि आपके रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन रहेगा, आपके रिटायरमेंट के बाद उल्टा पैसे को बढ़ने की जरूरत और ज्यादा है। जो आपको पोर्टफोलियो से चाहिए, आपका रिटर्न चाहिए, जो आपको मंथली अमाउंट चाहिए, वो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप, अगर आपका पोर्टफोलियो 2 करोड़ हो गया है फॉर एग्जाम्पल, तो आप 1 करोड़ आप डेट में डाल दीजिए और उससे विड्रॉ करिए। ये आपको अगर 12 साल बाद रिटायरमेंट लेना है तो 10 साल के बाद आपको ये प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो होता रहता है, तो अगर आपके रिटायरमेंट के साल में ही मार्केट गिर गया तो आप क्या करोगे? तो ये 2-3 साल पहले आपको प्रोसेस शुरू कर देना है ताकि धीरे धीरे आप
जो है मार्केट चाहे जो भी हो, आप ये अपना पैसा थोड़ा थोड़ा अलग करते रहे और फिर अपने दूसरे पैसे जो है उसमें उसको और टाइम देते रहिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास 20, 30, 40 साल और रहते हैं, तो उससे आप पैसा निकाल के अपने मैट्रेस गद्दे के नीचे तो रखने नहीं वाले हैं, आपको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना ही है, तो आप थोड़ा बहुत जो भी आप कंफर्टेबल है तब देखिए और उसको इक्विटी में रहने दीजिए, ये पहला है। दूसरा, अगर मैं आपके पोर्टफोलियो में ही देखूं कि कोटक मल्टी कैप में 38 लाख है और व्हाइट ओक फ्लेक्सी कैप में 6 लाख है और इनमें ही आपके SIP चल रहा है, तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही रिस्की पोर्टफोलियो है, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, आपको एटलीस्ट 3-4 स्कीम, एटलीस्ट मिनिमम 4 स्कीम में होना चाहिए। अगर आप 6 से 8 स्कीम में हो तो वो और भी अच्छा है, अगर आप और निवेश करते जा रहे हैं। 2 करोड़ का अगर आपका 12 साल का टारगेट है तो आपको 60 से 65 हज़ार रुपए पर मंथ निवेश करना है। अगर आप वो अमाउंट करेंगे तो 7 से 8 स्कीम में आप बैलेंस्ड भी डाल सकते हैं, थोड़ा स्मॉल कैप डाल सकते हैं जो और लॉन्ग टर्म रहेगा, एक Nifty 50 डाल सकते हैं जो पैसिव फंड है, जो फंड मैनेजर के बिना कोई रिस्क है, जो मार्केट का रिटर्न आपको देता है, जो एकदम लो कॉस्ट है, तो ये काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं। आप काफी डेट में भी स्टार्ट कर सकते हैं, 8 साल बाद 9 साल बाद जो आपके SIPs बने वो आप डेट में भी निवेश कर सकते हैं, तो अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन सकता है, बट सारे चेंजेस आपको एक साथ नहीं करने हैं, धीरे धीरे करने हैं। आपके टैक्सेस का सवाल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि ये क्या है, ये हर स्कीम का जो 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म में आपको टैक्स फ्री जो कैपिटल गेन है, जो फर्स्ट 1 लाख पे टैक्स नहीं लगता है गेन पे, तो वो पूरे पोर्टफोलियो पे वैलिड है, हर एक स्कीम पे नहीं, तो ये आपको और हर साल वैलिड है, तो जब तक ये बना रहता है, जब तक ये रूल चेंज नहीं होता है, तो ये आपके जो सवाल है ये मैंने मोस्टली सब बता दिए, और कुछ बच गया तो कविता जी आप बता दीजिए, मैं उसका भी आंसर दे दूंगी। जी श्वेता, मेरे ख्याल से आपने तमाम सवालों के जवाब इनके दे दिए हैं। अजीत जी, कोई और सवाल पूछना है आपको? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद हमारे अगले दर्शक यादवेंद्र अंकित सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद श्वेता से इनका सवाल का जवाब मांगते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, एक ऐसा शो जहां पर हम चाहते हैं कि आप अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं अपने तमाम फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए, और इक्विटी में कैसे आप प्रवेश कर सकते हैं, कैसे इसकी सहायता ले सकते हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। श्वेता जैन मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, यादवेंद्र अंकित सिंह हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। यादवेंद्र जी नमस्कार, आपके फंड्स के नाम मेरे पास हैं, डिटेल्स मेरे पास है, मुझे बस इतना जानना है कि आपको इस पोर्टफोलियो में कब तक इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरह का कॉर्पस आप चाहते हैं इससे। मैम अभी राइट नाउ मैं 38 ईयर का हूँ, ओके, मुझे इसको जो है 50 ईयर तक कंटिन्यू करना है, एटलीस्ट 15 ईयर का मेरे पास टाइम है। ठीक है, और कोई कॉर्पस जो आपको इकट्ठा करना हो यादवेंद्र? कॉर्पस मैम एटलीस्ट 10 ईयर मुझे कलेक्ट करना है, तो मुझे दो चीजें जाननी है। पहली चीज तो मुझे जाननी है कि अभी यहाँ से मुझे कितना अमाउंट बढ़ाना होगा, दूसरा मुझे ये जानना है कि ये जो मेरे पास फंड है अभी, इनसे बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर फंड मेरे पास क्या और मैं ऐड कर सकता हूँ, इनको हटा के भी मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ जिससे मैं अपना गोल अचीव कर सकता। ठीक है, चलिए बताते हैं कि और ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप इतना ही रखेंगे कि बढ़ाएंगे भी? नहीं, मैं इसको 15,000 अभी मेरे पास है, इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये क्लैरिटी मिलती हुई और 10 CR का गोल अगले 12 साल में। श्वेता बताइए। जी कविता जी, यादवेंद्र जी का पोर्टफोलियो काफी स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ स्क्यूड है, तो ये अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, बट काफी वॉलेटाइल हो सकता है, काफी उतार चढ़ाव ये देख सकते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप काफी अच्छा स्कीम है, कोटक स्मॉल कैप अच्छा है, कोटक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, बट कोटक स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप में थोड़ा ओवरलैप देख सकते हैं।
इनका जो पोर्टफोलियो है इसी तरह अगर ये चलते रहे तो करीबन 50 लाख रुपए तक पहुंचेंगे 20 साल में। 5 साढ़े 5 हजार रुपए पर मंथ अगर ये निवेश कर रहे हैं, इनको अगर 15 साल में 2 करोड़ फॉर एग्जाम्पल पहुंचना है तो इनको ये ही SIP इनको 40 हजार तक लेके जाना है। अगर इनको और भी ज्यादा पोर्टफोलियो, जैसे इन्होंने 10 करोड़ का एग्जाम्पल दिया है, तो इनको 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ निवेश करना है 12 से 15 से 20 साल के लिए। तो धीरे धीरे ही अपना SIP बढ़ा सकते हैं, बट एक टारगेट ऐसा रखे कि हर साल एक अमाउंट तक पहुंच जाए, ताकि ये जो भी इनका फाइनली गोल सेट करें, चाहे 2 करोड़ रखे, चाहे 5 करोड़ रखे या 10 करोड़ रखे, वो रियलिस्टिक रहे और बहुत रिस्क ना लेने के लिए जाए, एक पोर्टफोलियो अच्छा अपना बना ले। मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर जैसे ही ऐड करते हैं कोर पोर्टफोलियो अपना बना ले, जैसे UTI Nifty 50 ऐड कर ले, ताकि लो कॉस्ट रहेगा, एक स्टेबिलिटी बना रहेगा और वॉलेटिलिटी पोर्टफोलियो में जो उतार उतार चढ़ाव हम देखते हैं वो थोड़ा सा कम रहेगा। चलिए, तो ये है फंड्स के लिहाज से बदलाव पर आपको सलाह। आगे बढ़ते हैं और कपिल अग्रवाल दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल नमस्कार, कपिल आपको मेरी हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, जी नमस्कार, आपका सवाल हमारे पास नमस्कार है। मैम। आपको बनना है करोड़पति 13 साल में, ठीक है, हाँ जी और मैम, आपने 6 महीने से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। कुछ फंड्स की डिटेल्स आपने मुझे दी है जो हमारे एक्सपर्ट के पास है। कपिल, इसके अलावा और कुछ जोड़ना चाहते हैं अपने सवाल में कि आपके लिए सलाह मांगना शुरू करूं मैं श्वेता से? नहीं मैम, बस यही सलाह लेनी थी आपसे। इसमें मेरे पास 10 फंड है मैम, और 10 में से कितने फंड रखूं मैं, क्योंकि पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था ना, तब मेरे पास 22 फंड जी। थे, 22 में से अच्छा फिर मैंने 10 फंड कर दिया आपकी सलाह पे। अब 10 फंड में से भी कम जी, करने की जरूरत है क्या मैम, और ये लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं चलिए होगा, ये पूछना था मैम। चलिए, अच्छा लगा कि आपने एक बार सलाह ली और फिर से सलाह मांगने के लिए हमें मौका दिया आपको डायरेक्शन देने के लिए। तो श्वेता, 22 फंड से 10 फंड पे इनकी जर्नी आ गई है, अब बताइए इनका जो ध्येय है वो तो काफ़ी क्लियर है, लेकिन अब 10 में से आप किसको छाटेंगी इनके लिए, बताइएगा। जी, मैं काफी इम्प्रेस हूँ कपिल जी से। इन्होंने अच्छे से एक पोर्टफोलियो अपना संभाल लिया है 22 से, और भी सीख रहे हैं, तो जैसे प्रोग्रेस करते हैं इन्वेस्टर्स, काफी खुशी होती है मुझे देख के भी। इनके गोल के लिए जो है 1 करोड़ रुपए 13 साल में, उनको करीब 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ निवेश करना चाहिए, तो ये धीरे धीरे उस अमाउंट तक पहुंच जाए। और जो ये स्कीम्स हैं इनकी काफी मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ये इतनी स्कीम्स में जो अपना SIP है वो नहीं करे। क्वांट और मिड कैप और फ्लेक्सी कैप जो SIPs है वो तो अभी बंद कर दे, पर पैसे रिडीम ना करे इमीडिएटली। जो इनकी कॉन्ट्रा और एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, जो थीमेटिक फंड्स है, वो मैं रेकमेंड करूंगी कि वो नहीं, ज्यादा रिस्क हो जाता है पोर्टफोलियो में, तो वो नहीं ले। बाकी जो इनकी स्कीम है वो उसमें ये पैसे जो भी निवेश करेंगे इन स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। HDFC मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, टाटा स्मॉल कैप, बंधन निफ्टी, Alpha 50, PPFS, फ्लेक्सी कैप, ये स्कीम्स में अगर ये अपना पोर्टफोलियो कोर पोर्टफोलियो बना दे तो काफी अच्छा रहेगा। बंधन निफ्टी, Alpha 50 में ये थोड़ा सा ज्यादा निवेश कर सकते हैं, अभी 1500 निवेश कर रहे हैं, 4-5 हजार तक उसको एक अपना बेस बना के उसको कोर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए कपिल, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो, और ऑल द बेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए, और धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। बालकृष्ण जी का मैं सवाल लूंगी, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच मेरा सवाल लेने के लिए। धन्यवाद अपना सवाल भेजने के लिए। सर, आपके फंड्स की डिटेल्स तो मेरे पास है और 15 सालों के लिए आपने ये पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, मुझे बताइए आपका कोई खास गोल है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो 15 साल का है उसके बाद कोई खास कॉर्पस जो इकट्ठा करना है? गोल मैम सिर्फ यही जानना था, फंड अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में, बस थोड़ा सा अमाउंट इकट्ठा हो जाए। लॉन्ग टर्म के लिए चलिए ठीक है, मेरा ठीक रहेगा। 15 के 16 वेल्थ क्रिएशन भी हो सकते हैं। हाँ जी, वेल्थ क्रिएशन जी जी चलिए ठीक है, आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। श्वेता, जय शिव शंकर के नाम से इनका सवाल होगा, जस्ट इन केस अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रही हो तो बताइए। 15 साल का समय, वेल्थ क्रिएशन इनका गोल है।
जी पोर्टफोलियो इनका काफी अच्छा लग रहा है, बस क्वांट लार्ज एंड मिड कैप मैं रेकमेंड करूंगी कि अपना निवेश स्टॉप कर दे, रिडीम ना करें। उसके अलावा काफी अच्छा पोर्टफोलियो है इनका। जो वैल्यू है आज 15,000 रुपए का SIP शुरू किया हुआ है इन्होंने, और अगर 15 साल का इनका टाइम पीरियड है। तो ये पोर्टफोलियो अपना 1 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं। अगर थोड़ा सा ये इंक्रीज कर ले अपना SIP 20,000 तक कर ले धीरे धीरे, तो 1 करोड़ तक ये आराम से पहुंच सकते हैं। जो 1 crore का टारगेट है वो काफ़ी कंफर्टेबली अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुबारकबाद उसके लिए एंड थैंक यू सो मच अपने सवाल हमें भेजने के लिए और हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े रहने के लिए। इसी के साथ मेरे ख्याल से शो को भी समाप्त करने का समय हो चुका है। श्वेता धन्यवाद आपका, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनके पोर्टफोलियो पर उनको लाइव सलाह दी। और शेयर बाजार सबका अधिकार जो हर गुरुवार को शाम को 4:30 बजे हम ये पेशकश लेकर आते हैं, पेशकश में आपके सवालों के जवाब देते हैं। सवाल पूछने का तरीका एक बार फिर से हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं ताकि आप नोट डाउन कर लें। QR कोड फ्लैश होगा, उसे स्कैन करना होगा और स्कैन करते ही आप एक WhatsApp नंबर से जुड़ जाएंगे। इस नंबर पर अपने सवाल हमें पहुंचा देने हैं। सवाल आपका किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है, अपना सवाल डिटेल में भेजें। और अगर हमें YouTube पर देखते आए हैं तो YouTube पर भी हम आपके सवालों के जवाब देते हैं, वहाँ से सवाल हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे एक्सपर्ट के सामने रखते हैं। तो अपने सवाल हमें इस WhatsApp नंबर के जरिए भी भेज सकते हैं, YouTube के जरिए भी भेज सकते हैं। नमस्कार। We'll be right back.